शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में सेंट पॉल स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी है। स्कूल का 100% रिजल्ट लगा है। स्कूल की जानवी चौधरी 96.4% अंक लाकर पहली मेरिट बनी है। वही 96.2% के साथ स्मित वालके ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरे स्थान पर धनश्री श्रीखंडे 96% के साथ है। सेंट पॉल स्कूल का 100% रिजल्ट लगने से स्कूल संचालक ने टीचर्स को धन्यवाद कहा और आगे उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राजाबोटा से सेंट पॉल स्कूल का संचालक हूँ और इस साल में हमारे यहाँ 12वीं में 1840 बच्चे एग्जाम को बैठे थे। 1840 भी बच्चे पास हो गए। 104 बच्चे मेरिट लिस्ट में आ गए अबाउट 90% के ऊपर और अच्छा रिजल्ट लगा। नीट में भी अच्छा लगेगा और सभी बच्चे पास होने की वजह से हमें स्कूल के लोगों ने, स्कूल के सभी स्टाफ ने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसलिए मैं स्कूल के सभी स्टाफ को, सभी शिक्षकगणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके परिश्रम के वजह से इतना अच्छा लगा। CBSE 12वीं का भी रिजल्ट हमारा 100% रहा। उसमें भी हमारे 190 बच्चे CBSE 12वीं में बैठे थे, उसमें भी हमारे यहाँ 32 मेरिट्स आए अबाउट 90%, 96-98 वाला हमारा मेरिट था। और उसी के साथ में उन्होंने भी, उस शिक्षकगणों ने, सभी स्टाफ ने बहुत मेहनत किया उनके लिए भी, और उनके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनके काम के वजह से एक बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। साथ ही 10वीं CBSE का रिजल्ट हमारा लगा, उसमें 190 स्टूडेंट थे 10वीं में, 190 में से 190 भी स्टूडेंट पास हो गए। 22 बच्चे मेरिट लिस्ट में आए अबाउट 90%। गरीब इलाके के होने के बाद भी CBSE ने अच्छे लगे, 22 मेरिट लाए अबाउट 96%, और सही में एक अच्छा रिजल्ट CBSE 10 बोर्ड का भी लगा। मुझे ज़्यादा खुशी होती कि 10 बोर्ड में हमारे यहाँ एक बच्चा था जो अमोल नागदित करके है, उसने हमारे स्कूल का टॉपर है, 96% उसने लाया। उसके पिताजी 2 महीना पहले देहांत हुआ था, माँ बचपन में मर गई, घर में कोई नहीं, अनाथ होने के बाद भी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी किया उसने और 96% लाया उसने। इसलिए मैं सही में सब बच्चों के लिए एक आदर्श है कि विदाउट ट्यूशन, विदाउट स्कूल, और उसको एक टाइम का खाने के लिए भी वो नहीं मिलता था, टीचर उसके लिए खाने का डब्बा देते थे और उसके बाद वो पढ़ाई करता था, लेकिन किसी को महसूस नहीं होने देता था कि इतने दुख के साथ में वो अपनी 96% लाया। आज सही मायने में देखा गया तो हम लोग स्कूल बच्चों के लिए, 9-10 के सभी बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधा देखती, लेकिन जिस बच्चों को कुछ भी सुविधा नहीं रहती वो CBSE में 96% लाता, एक बहुत बड़ी बात हो गई, ये हमारे लिए आदर्श है। साथ ही उसके लिए मैंने ये कहा कि बेटा आपको 11-12 हमारे यहाँ से करना है, आपकी फ़ी मैंने, उसके लिए फ़ी मैंने 10वीं की भी माफ़ कर दिया था, अभी 12वीं 11-12 की भी माफ़ किया, उसको JEE NEET करना है, डॉक्टर बनना उसका सपना है। उसके पिताजी ने कहा कि कोई भी हालत में तुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए प्रयास करे थे उसके लिए, तो उसका सपना पूरे करने के लिए उसको नीट की ट्यूशन लगाना है, उसको जो भी किताबों की मदद करना है सारी 2 साल मैं मदद करूँगा और उसको डॉक्टर बनाने के लिए कोशिश करूँगा मैं। ये हमारे स्कूल के सभी शिक्षकगणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि उनके परिश्रम के वजह से आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। इतना अच्छा हमारे सब टीचरों ने, प्रिंसिपल मैडम ने, सभी ने बहुत बड़ी मेहनत की और इसलिए सब जन एक सक्सेस के तरफ गए। आज 10th और 12th ये दोनों भी एक ऊपर जाने की और लाइफ का पहला एक संकल्प रहता कि यहाँ से हमको अब अचीव करना है लाइफ, यहाँ से डॉक्टर बनता है, यहाँ से इंजीनियर बनता है और लाइफ की सही कलाटनी, उसको जो वे मिलता है, जीने का रास्ता मिलता है, वो रास्ता यहाँ से मिलता है, वो रास्ता सभी बच्चों को, मुझे खुशी होती कि 12th में पूरे के पूरे बच्चे एक साथ में इतने पास होना कहीं भी रिजल्ट नहीं है, इतना अच्छा रिजल्ट देने का कोशिश हमने किया, मैं सभी स्टाफ का फिर से धन्यवाद मानता हूँ।